अरे आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाग। मेरा नाम है ममता और मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरी ब्लॉग स्टार्टिंग हो रही है, एक बजने वाला है। खाना वाना बना के रख के चूल्हे में रख के मैं बाहर आई हूँ और बाहर चल रहा है हमारा पेंट का काम। ये टेंट के सामान में जो लोहे का होता है उनमें पेंट कर रहे हैं और वो धो दिए, कपड़े उपड़े धो ही रखे थे, मैंने दिखा ही रखा था आप लोगों को। आधा हमने धोबी को दिया, आधा इन्होंने धो दिया। तो मैं दिखाती एक बार बैक साइड से कि कैसा काम कर रहे। तो यहाँ पे इतना पेंट लग चुका है, इतने ये लोहे के जो मतलब ट्रेस व्रेस के जो जो होते हैं वो तो मेरे को भी उतना पता नहीं है। और यहाँ पे लगा रहे कुछ पाइप में लग चुके हैं और कुछ में नहीं लगे हैं, और यहाँ पे लगे हैं जवान हमारे, हमारे दो जवान लगे हैं। ये है चिंटू और वो है मोनू। मोनू अभी आया, ये मोनू नसीब मोनू सुबह से आज कुछ अलग ही नशा चढ़ा था मोनू को, अभी उठ के आया है, काम का नशा चढ़ा था मोनू को आज। सानू हट जा बेटा। तो चिंटू लगा था सुबह से, तो मोनू अभी आ रखा है, तो मोनू करेगा फटाफट से काम। फिर इसके बाद थोड़ी देर में होता है लंच टाइम और शाम खेलने के लिए मजा आ रही है। इसके बाद ना चप्पल पहन रही है। तो यहाँ पे ना अभी बहुत पाइपों में बहुत सामान में पेंट लगाना है। कितने दिन हो गए, 3-4 दिन तो आज हो ही गए। तो देखते हैं कितने दिन में लग पाएगा ये, क्योंकि अब सीजन की तैयारी हो रही है ना, तो सब पेंट वेंट लगाना पड़ता है और कपड़े वपड़े धोने पड़ते हैं, मैट वेट सब साफ करना पड़ता है सीजन के लिए। नवंबर से सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए अभी से तैयारी होने लग गई है। उनके बज रहे हैं और बच्चों की छुट्टी भी हो चुकी हो गई है, मतलब हिमावृष्टि स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। और मैंने रखा है अंदर चूल्हे में सब्जी और भात। वैसे भात तो बंद कर दिया लेकिन सब्जी देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सब्जी रख के गई थी, सब्जी है आलू तोरई की। तोरई में ना पहले से ही बहुत पानी होता है, तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको भिटकाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी इतना पानी है इसमें ही। तो यहाँ पर भात तो पक गया था मेरा पहले ही, और मैंने सब्जी चढ़ा दिया शाम के लिए, मैंने यहाँ पर बना रखी है झोली। तो यहाँ पे है मोनू। मोनू यहाँ देखना, टोपा हो गया था इसको, पता नहीं अपनी भाषा में क्या टोपा हो गया था इसका, नशा हो गया था। तो मोनू का नशा अभी उतरा है, तब जाके एक दो पाइप में अभी लगाया होगा इसने, अभी सुबह से नाश्ता वास्ता करके बिल्कुल टन लेट गया था, सो गया था ऐसे जो है ये। यार मैं थप्पड़ दूंगी। तो यहाँ पर अभी हमारा बहुत काम बाकी है, इतना अगर किसी को पेंट वेंट कराना हो तो प्लीज संपर्क कर सकते हैं चिंटू और मोनू से। और इतना लगा दिया इन्होंने, कितने दिन में लगाया रही है, 2 दिन में इतना लगाया, मतलब और काम भी करे इन्होंने, और ये भी लगाया, वहाँ पे पाइप है वो भी लगाए, और बाकी सारा इतना बचा है, देखते हैं कितने दिन में लगा पाते हैं ये। इतनी तेज तेज आ रखी है, यहाँ पे सबने धान सुखा रखा है। हमारा तो हो गया धान का काम, लेकिन यहाँ पे औरों का नहीं हुआ है, ताई जी लोगों का, चाची लोगों का, तो सबने आगे भी सुखा रखा है ये। और बहुत तेज धूप लगी है, धान आसानी से सूख जा रहे हैं 1-2 दिन में ही। यहाँ पर आंगन में धान ही धान दिखेंगे आप लोगों को यहाँ पे, और ये पूरे आंगन में धान है यहाँ। मौसम की बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ, कहीं इससे भी कोई बादल वादल नहीं, पर ये है कि अब गर्मी नहीं हो रही है उतनी। तो यहाँ पे सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, पक तो गया, लेकिन अब मैं इसको भिटकाऊंगी नहीं, लटपटा बनाऊंगी, क्योंकि भात के साथ जो है ना लटपटा ही मजा आता है। वहाँ पे ना मोनू और चिंटू के लिए खाना लगा दे रही है। तो यहाँ पे मैंने इनके लिए भी लगा दिए है खाना, सब्जी भात, और यहाँ पे कटोरी में दाल है, दाल भी इसी में डाल देती हूँ, और अचार अचार लेना होगा तो अपने हिसाब से ले जाएंगे। लो, 2 दिन के बज रहे हैं 2:30। खाना वाना खाने के बाद मैं जा रही हूँ कुदाल लेके और पालक लेके, ये रहा पालक, पालक बोने के लिए। और यहाँ पे मैंने ना ठंडों की सब्जी के लिए क्यारी वारी बना लिया हमने, और मैंने छाना इन्होंने खोद के मेड़ बना लिया है, तो हमने उस वाले क्यारी में बोई है राई। तो ये वाली क्यारी हमने छोड़ रखी थी पालक के लिए, और इसमें बोई है हमने धनिया, और वो वाले क्यारी में हमने लहसुन के लिए छोड़ दिया है। बाकी ये लाए हैं पालक, पालक सुबह भी लाए थे लेकिन वो अलग वाला था, लेकिन अभी मैंने मंगाया कांटे वाला, लाए थे अलग वाला पालक, गोल गोल दाने थे उसके बीज के, लेकिन ये है कांटे वाले पालक, और जो पहाड़ी पालक होता है उसी का बीज है ये। तो मैं बो लेती हूँ इस वाली क्यारी में, ये वाली क्यारी में,
यहाँ पर छोटी सी जगह है लेकिन हमने इसमें मेड़ डाल के चार बना रखे हैं। चारों में हमने अलग अलग चीज़ बो रखा है, तो देखते हैं वो उगने के बाद ही पता चलेगा कि कैसी होगी यहाँ पर सब्जी। और मूली भी बोई है, जो ये मेड़ बने हैं ना, इन मेड़ों में हमने मूली भी डाली है। तो और क्यारियों में तो हमने लगा दिए, सुबह लगा लिया था हमने राई में धनिया और मूली। तो अभी बचा है हमारा बस पालक लगाना। पालक लगाऊंगी मैं अभी फिर से, और लहसुन हम बाद में, क्योंकि बीज नहीं मिला है हमें यहाँ, तो बीज के लिए हमें खटीमा मार्केट जाना पड़ेगा, तो वहीं से ले आएंगे ये बीज, लहसुन का बीज, तब हम यहाँ पे लहसुन बोएंगे। बस हम अब हमने सब कुछ तो बो दिया, बस लहसुन के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है, वो बीज आने के बाद ही होगा उसका काम। तो मैं बोल लेती हूँ एक बार, ये क्या बोलते हैं पालक, और मैंने भिगा रखे हैं, और मैंने बर्तन भिगा रखे, मैं धो लेती हूँ बर्तन, फिर चाय वाय बनानी होगी। तो ना शाम के बज रहे 4:30 और हम जा रहे चाय वाय पी के सब्जी लेने के लिए। तो देखते हैं सब्जी में क्या क्या मिलती है यहाँ, यहीं पे है एक सब्जी की दुकान, तो वहीं पे जाएंगे अभी, जाके आगे या भी जा रहे हैं जी। वो गए सब्जी की दुकान में, तो यहाँ से लेंगे हम सब्जी। तो देखते हैं क्या क्या सब्जी आ रखी है आजकल, जाती हूँ। ये माता मैया की चुनरी होती है, वो नवरात्रि में ना माता मैया बनेंगे। माता मैया नमस्ते, हेलो। अच्छा तो यहाँ पे सब्जी ताजा ताजा आ रखी है, माता मैया की चुनरी मांग रही है। मेरे को चाहिए था बैगन, जो मेरे को यहाँ पे मिल चुका है, और बाकी सब्जी भी है, लेकिन आज के लिए हम बस फ्राई ले जाएंगे, फिर ये खत्म होने के बाद ही ले जाएंगे, नहीं तो वैसे रह जाते हैं। लौकी मूली भिंडी विंडी सब है, तो सानों के लिए मिल गए यहाँ पर हमें क्लिप, लेकिन यही वाले लाए हो। अच्छा इसको तो पूरा चाहिए, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, बस यही है। तो यहाँ पर हमने सब्जी वब्जी ले ली है, बाकी हमें जो चाहिए मतलब ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, इतना ही चाहिए। और मूँगफली भी आने लगी, ठंडों के लिए मूँगफली कितने रुपये किलो है? हाँ इतना महंगा, अच्छा है तो सही। हाँ अच्छे दिख रहे हैं मूंगफली, हाँ महंगा बहुत हाँ, लेकिन महंगे बहुत हो रहे हैं। तो आंटी जी ने लगा दिया यहाँ पे मूंगफली और पॉपकॉर्न, जाएंगे यहाँ पे। हाँ यहीं पे तो जा रहे हैं फिर। नमस्ते दीदी, वो देख दादा, दादा ऊपर चढ़ा है। हाय बोल, हाय हाय बोल, जय बोल, वो दिखा दो तो दीदी इसके क्या? लिए क्लिप क्रीम क्लिप क्लिप हम आ रखे हैं दीदी की दुकान में, जब भी आते रोज ही आते हैं। हाय हाय तो वो भी सानू भाई ये लेने के लिए, इसको तो सब पसंद आते हैं, सब ले जाते बोलती है। कौन सा कलर चाहिए आपको? ये वाला चाहिए, और आपको इसका ही पसंद है। वो आपका कौशल, कौशल हाय बोलो, हाय हाय। क्या ले जा रही हो आप, बैगन ले जा रहे हो? तो सानू शीशा भी देखने लग गई है, कैसा लग रहा है करके। वाओ बड़े सुंदर लग रहे हो, क्यों सुंदर लग रही है? चिमटी लगाई हाय, यहाँ बोलना हाय। मैं कितनी क्यूट लग रही है। तो यहाँ पर ले लिए हमने बिंदी फेयर लवली, फेयर लवली से चमको और सानू के दो क्लिप। तो मेरे को करना है गूगल पे, अब मैं करती हूँ गूगल पे। तो हम पहुँच चुके हैं घर और सानू अपने क्लिप दिखा रही है, इतने 20 का ही लाई है, 40 रुपये के दो क्लिप लाए, और छोड़ रही है पता नहीं खो के ही छोड़ी, और यहाँ पर काम पर लगे ही है ये। कैसे हो मौसी ने भेजा है, चल इधर दे, थैंक यू बोलना। थैंक यू मम्मा। मौसी मौसी थैंक यू मौसी, थैंक यू मौसी, कितना प्यारा है। तो यहाँ पर आया है सानू का मौसी, दारा भेजा, आराम से आराम से आराम से, टूट जाएगा फिर खराब हो जाएगा, पहनेगी क्या बर्थडे में? अरे वाह ये परी वाले पंख सानू के, ये सानू का मौसी, ये है पंख और ये है परी, और मेरी सारी तो पापा,
लव यू सो मच, लव यू सो मच। हमारी परी बिल्कुल रेडी है, अभी जो आया पार्सल अभी इसने खोल खाल कर दिया। परी आ देखो, परी आ देखो, परी जादू दिखाओ अपना, जादू जादू दिखाओ। इसकी शादी के लिए भी सही है, सब को ऐसे पहना ये नहीं, मत ये पीछे का हो जाऊंगी।